करीब 13 जिलों के खिलाड़ी यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें बच्चों में तार्किक क्षमता, मानसिक योग्यता, इन सब में कैलकुलेशन पावर सब में बढ़ोतरी होती है। वह स्विस लीग पद्धति से 6 चक्रों में कराया जा रहा है और इसमें लगभग 36 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लिए हैं। जिस वक्त हम बेमेतरा के शासकीय आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक शाला पे है, जहाँ पर चेस का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम के आयोजन के चलते यहाँ पे दूर दूर से जो लोग आए हैं उसको लेकर यहाँ पे क्या है हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं और इस आयोजन को लेकर कार्य कर रहे हैं। जी बताएं, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और क्या चाह रहे हैं? यहाँ बेमेतरा जिले में छत्तीसगढ़ स्तरीय छत्तीसगढ़ ओपन चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन 2024 प्रथम वर्ष पिताजी हरिहर सिंह चौहान और माता मान कुमारी देवी चौहान की स्मृति में रखा गया है, जिसमें जिला शतरंज संघ के द्वारा यह आयोजन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया है। और यहाँ जितने भी खिलाड़ी दूर दूर से आए हैं, करीब 13 जिलों के खिलाड़ी यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ 36 खिलाड़ी जो नेशनल रेटिंग प्लेयर हैं वो भी यहाँ आ जाए हैं। देखिए, जैसे अभी शतरंज विश्व स्तर पर बहुत प्रगति कर रहा है, इसमें बच्चों में तार्किक क्षमता, मानसिक योग्यता, इन सब में कैलकुलेशन पावर सब में बढ़ोतरी होती है, तो सभी खिलाड़ियों को या फिर मैं बोलता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को शतरंज को शौकीन तौर पे भी खेलना चाहिए। इससे उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी विकास होता है, उनको सहायता मिलती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, बौद्धिक विकास होता है। यह जो टूर्नामेंट है वह स्विस लीग पद्धति से 6 चक्रों में कराया जा रहा है। यह फिडे के सभी, फिडे मतलब आपका जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है, उनके नियमानुसार ही कराया जा रहा है और इसमें लगभग 36 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लिए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा में देवेंद्र सिंह चौहान इस टूर्नामेंट का अध्यक्ष जो है, उनके द्वारा प्रथम कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अभी जो नवयुवक जो बच्चे जो हैं तो उनके विकास, भौतिक और इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ही अच्छी कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम जो है सराहनीय है। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक है और जितने भी जो टीम है, तो मैं अपनी तरफ से सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बेमेतरा में ओपन शतरंज चैंपियनशिप आज का प्रतियोगिता रखा गया है, जिसको जो है छत्तीसगढ़ शतरंज चैंपियन यूनियन और जो है जिला जो यूनियन है उनके संघ द्वारा रखा गया है और यह बहुत अच्छा अवसर है। इसमें राज्य के बहुत सारे शतरंज प्रेमी और शतरंज खिलाड़ी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के इस खेल के माध्यम से जो शतरंज खेलने के उत्सुक हैं, जो खेलना चाहते हैं, उनको आगे जो है प्रमोट करने की भी योजना है, यह अच्छा आज कारगर साबित होगा। जिला बेमेतरा में आज जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन बॉयज स्कूल में रखा गया था। इसमें मैं SP साहब और जिले के शतरंज प्रेमी और शतरंज खेलने वाले जो प्लेयर्स थे वो सभी उपस्थित हुए और इसमें अन्य राज्यों से भी शतरंज के खिलाड़ी यहाँ प्रतिभागी के रूप में आए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई देता है और शतरंज खेल के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए वो सब जिले में उपलब्ध करवाई जाएंगी। क्या बहुत बढ़िया गेम है शतरंज कलेक्टर साहब का, क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस है, मैं शतरंज के अलावा कुछ खेलता ही नहीं हूँ, जबकि मैं पहले रेसलर भी रहा हूँ, बॉक्सर भी रहा हूँ, बैडमिंटन का प्लेयर भी रहा हूँ, अभी श्रीलंका खेल के आया हूँ, वहाँ सिल्वर मेडल भी ले आया हूँ, इसके पहले कॉमनवेल्थ एशियाड भी खेल चुका हूँ। मेरे को अच्छा लगता है और मैं 8 साल से खेल रहा हूँ, 8 साल का था। अभी किनके साथ खेल रहे हैं? अभी मैं दादा से। अच्छा लग रहा है। तो ये थे, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, देखने के लिए भी आए हैं, निर्णायक भी हैं और यहाँ संचालन भी हो रहा है, बहुत अच्छे हैं। पहली बार बेमेतर चेस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें दूर दूर से छत्तीसगढ़ से 13 जिलों से यहाँ पे आए।